हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी इट इज़ हैप्पी ट्रिल। और जो इस फ्लैट में हमने काम किया, इसका साइज है 1385 स्क्वायर फीट और 3 BHK प्लस सर्वेंट है ये। और इस फ्लैट में हमने सिविल चेंजेस सिर्फ आपके किचन में किया है। इस फ्लैट में जितना भी काम किया है टोटल भैया और भाभी जी की थीम के अकॉर्डिंग किया गया है। जैसे आज के टाइम में एक्वा ग्रीन कलर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, किचन हमने उसी कलर में दिया है। एंड लाइट वुडन कलर्स में हमने जो डोर्स हैं उनको बनाया हुआ है। जैसे आपका टीवी पैनल उसको वाइट पैटर्न में दिया हुआ है। बाकी पूरा आपको वीडियो में सयाद डिटेल में आपको समझा देगा। और ये सारा वर्क एजेंट की टीम ने किया है। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने इसमें सीएनसी कटिंग करी है। और जो यहाँ पे सर्वेंट रूम था, सर्वेंट रूम के अंदर हमने यहाँ पे मोल्डिंग है। इसमें जो इन्होंने डोर दिया हुआ था, डोर के अंदर ही हमने स्ट्रिप पैटर्न डाला हुआ है। जो इनके वुडन का जो ATS वालों ने डोर दिया हुआ, उसी पे हमने स्ट्रिप पैटर्न डाला हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कंसोल आ जाता है। कंसोल को हमने कंसोल प्लस सुरेख बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे नीचे हमने डेली वेज के फुटरेस्ट जो होते हैं वो सारे नीचे रख जाते हैं। और जो वैसे जो स्टोरेज है इसके अंदर दिया हुआ है, ये हमने व्हाइट एंड ग्रे के अंदर टोन में दिया हुआ है। ये आ जाते हैं हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के अंदर इसमें हमने एक मोल्डिंग पैटर्न कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमारी मोल्डिंग आ गई है। मोल्डिंग के बाद यहाँ पे हमारा AC पैलमिट आ जाता है। AC पैलमिट के साथ में हमने यहाँ पे TV यूनिट क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारा TV यूनिट है। TV यूनिट छोटा था, उसके लिए हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया, जिससे कि यहाँ पे कोई भी बैठता था, एक प्राइवेसी होनी चाहिए। तो प्राइवेसी के लिए डोर की प्राइवेसी ओपन होते हैं, डोर तो बैठने का दिखते हैं, तो इसलिए हमने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। ये हमारे जो फोर सीलिंग हमने ऐसे किया है, इसके अंदर हमने स्ट्रिप पैटर्न बनाया हुआ है। इसमें हमारे सारे में प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, इसमें शाइनडेल लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो डाइनिंग एरिया के अंदर हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया था। जो इनका जो सर्वेंट रूम के यहाँ पे वॉशरूम आ रहा था एल शेप में, तो हमने यहाँ से वॉल यहाँ से डिसमेंटल की, एल शेप में इस वॉशरूम को अंदर लिया, किचन के अंदर लिया। किचन के अंदर लेने के बाद यहाँ पे ATS के अंदर परमिशन है कि इस वाले डोर को आप इस वॉशरूम को हटा सकते हो। तो हमने यहाँ पे फ्रिज और पेंट्री यूनिट दोनों कन्वर्ट कर लिए हैं। ये हमारी किचन है। यहाँ पे किचन बाहर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हमने इसके लिए हमने जो किचन जैसी थी उस तरीके से हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन की। तो यहाँ पे हमारी किचन में ऊपर काउंटर है, ऊपर डोर से हमारे ऊपर तक फुल हाइट तक बना दिए। ऊपर हमारे पैलमिट्स आ गया है। यहाँ पे चिमनी के साइड में दोनों साइड में हमारे ग्लास डोर आ जाते हैं और नीचे का हमारा प्रोफाइल डोर पूरे बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ पे ब्लैक प्रोफाइल और के अंदर काम में किया हुआ है। यहाँ पे हमारी पेंट्री भी आ गई, OTG इनके लिए ऑप्शन बना दिया। एक साइड में हमारा सिंक काउंटर आ गया है और उसके ऊपर भी स्टोरेज दे दिया गया है। ये हमारी किचन की पैनलिंग कर दी है। जो हमारा सेम पैटर्न यहाँ पे जो डोर पे चल रहा था उसी की हमने यहाँ पे पैनलिंग कर दी गई है। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने जो इनके जो सीलिंग की हुई थी उसी सीलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग की कटिंग की हुई है। इसी में हमने जिगबैक पैटर्न के अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग कर दी। ये इनके बेटे का रूम है। बेटे के रूम को हमने जो क्रिएट किया है सारा ब्लू थीम के अंदर लिया हुआ है। इसमें ब्लू एंड वाइट थीम के अंदर हमने काम किया हुआ है। ये हमारी जो वार्डरोब है ब्लू थीम के अंदर बनाई हुई है। ब्लू इसके हैंडल्स भी लिए हुए हैं, यहाँ पे ब्लू इसके पैटर्न डाला हुआ है। इसके बाद हमारा जो टेक्चर है वो भी ब्लू के अंदर किया हुआ है। इसमें हमने फोर सीलिंग की हुई है और जो नॉर्मल वर्क है वो इसका इनका पुराना ही बेड था, वो पुराना बेड ही इसमें डाला गया है। ये हमारा किड्स रूम है। ये इन्होंने अपनी डॉटर का रूम बनाया हुआ है। ये डॉटर का रूम को हमने पिंक के थीम में लेके चले हैं पूरे रूम को। ये जो बिल्डर स्पेस देता है वो स्पेस के अंदर हमारी वार्डरोब क्रिएट की गई है। ये हमारी वार्डरोब है। इसमें हमने गोल्डन्स एंड जो गोल्डन के हैंडल्स लगाए हुए हैं और इसमें हमने जो पैटर्न डाला हुआ है पिंक एंड वाइट दोनों शेड लिए हुए, दोनों लाइट शेड लिए हुए, पिंक और व्हाइट के दोनों लाइट शेड लिए हुए हैं। ये बिल्डर वाला स्पेस के अंदर वार्डरोब ली हुई है। ये हमारा AC पैलमिट आ जाता है। AC पैलमिट हमने सारे में व्हाइट ही बनाए गए हैं। ये हमारा जो स्पेस था, ये बेड हमारा यहाँ पे न्यू क्रिएट किया गया था क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था साइड टेबल्स के लिए। हमने साइड टेबल्स सारी फोल्डेबल बनाई हुई है, सारी फोल्डेबल साइज टेबल हैं। अगर यूज़ करना है तो इनको हम ओपन कर सकते हैं, अगर यूज़ नहीं करना है तो इनको हटा सकते हैं। हमारा बेड की कोल्डिंग भी पिंक के शेड के अंदर लिया हमने, डार्क शेड के अंदर। ये हमारा जो टेक्सचर है वो भी व्हाइट एंड पिंक के शेड में ही गया हुआ है। ये डार्क पिंक के अंदर हमने टेक्सचर डाला हुआ है और इसके ऊपर व्हाइट से ग्रूविंग की हुई है। ये हमारा जो स्पेस था, जैसे बच्चे के लिए स्टडी वर्क फ्रॉम होम के लिए बच्चे के लिए स्टडी चाहिए होती है, स्टडी हमने यहाँ पे स्टडी क्रिएट की और एक वार्डरोब क्रिएट की। जैसे बच्चे का स्कूल का ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक ओपनेबल और एक डोर क्लोज का स्टोरेज दे दिया गया है। यहाँ पे हमारे शटर ओपन है इसके साथ में। तो हमारे इसमें जो हैंडल्स हैं वो सारे गोल्डन में नॉब्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे हमारी दो ड्रॉर्स आ गई हैं। यहाँ पे हमारी चेयर्स आ जाती हैं। बच्चों के लिए दो पर्सन यहाँ पे बैठ के आराम से वर्क कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर जैसे जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे लिविंग में जो हमने पैटर्न बनाया वो पूरा पैटर्न इसी के अंदर बनाया हुआ है। ये हमारा इसके अंदर थोड़ा पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज एरिया के अंदर हमने लैकेड ग्लास डाला हुआ है। इसमें हमारा लैकेड ग्लास आ जाता है। ये जो बिल्डर का स्पेस था उसी स्पेस के अंदर यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई हुई है। ये हमारी ग्रे मेटालिक के अंदर है। इसमें हमारी जो हमने जो स्ट्रिप डाली हुई है वो गोल्डन डाली हुई है, गोल्डन हैंडल्स लगाए हुए इसके अंदर। ऊपर भी हमारे गोल्डन हैंडल आ जाते हैं लॉफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक स्पेस था, यहाँ पे डेली वेज के हमारे यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है। ये हमारे डेली वेज के लिए हमने स्टोरेज बनाया हुआ है। जैसे हमारे डेली वेज के यूज़ के कपड़े होते हैं, इसको स्लाइड कीजिए, इसमें डेली वेज के आपके कपड़े आ जाते हैं।
फिर इसके अंदर हमने एक बेड है, ये बेड की रेट क्या है, बेड को ये हमारा बेड बनाया है, इसके अंदर हमने बैक कुल्टिंग हाइड साइड कुल्टिंग कराई हुई है और दोनों साइड में साइड टेबल है। इसमें हमारा स्पेस था, स्पेस के हिसाब से हमने एक टीवी यूनिट की रेट किया, यहाँ पे हमारा रूम के हिसाब से हमने एक टीवी यूनिट की रेट किया हुआ है, यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट है, इसके साइड में कोब लाइट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें लाइटिंग प्रोफाइल लाइटिंग और ये सारी चीज़ें, ये थीम पूरी ग्रे के अंदर ही लेके चले हम। यहाँ पे इसमें ड्रेसर का ऑप्शन नहीं था, ड्रेसर के हमने साइड में यहाँ पे ऑप्शन डाला हुआ है, यहाँ पे हमारा ड्रेसर आ जाता है, साइड टेबल भी साथ में आ जाती है। इसमें बैक साइड में हमने ये जो हमारा टेक्सचर डाला हुआ है ये भी ग्रे टोन में टेक्सचर डाला हुआ है। इसके बाद हमारे ऊपर जो सीलिंग है फोर सीलिंग की हुई है, इसके अंदर फोर सीलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग की हुई है। यहाँ पे फिर हमारा एसी पैलमेट बनाया है, इसके अंदर कर्टन्स आ जाते हैं, ये व्हाइट टोन के अंदर पैलमेट बनाया हमने एसी का। ये था आप पूरे फ्लैट में जो भी हमने काम किया, जो आपको सयाद ने डिटेल एज ए डिटेल में समझाया है। इस फ्लैट के ओनर हैं रंजन अस्थाना। हम लोगों ने एजे इंटीरियर को हायर किया था अपने इंटीरियर के लिए, मतलब काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी, और जो इन्होंने टाइमलाइन दिया उससे पहले मेरे को डिलीवरी मिली, और आप काम देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छा काम है और बहुत इफिशेंट काम किया इन लोगों ने। मटेरियल जो यूज है बहुत ही अच्छा मटेरियल है, और आई वुड हाईली रिकमेंड टू हायर एजी इंटीरियर फॉर योर इंटीरियर पर्पज, यू विल रियली सरप्राइज्ड फॉर देयर वर्क। थैंक यू। आई एम इंडियन पर हमारे कंपलसरी आपको तत्काल में रेगुलर वीडियोस अभी आती रहेंगी, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था इसलिए थोड़ी वीडियोस नहीं बन पा रही थी, आगे ये कोशिश करेंगे कि आपको पर मंथ दो या तीन वीडियोस आपको देते रहें।